हाय स्टूडेंट्स, मैं अनंत सर द अल्फा क्लासेस की ओर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के हम लोग आए हुए हैं, जो कि है त्रिकोणमिति के परिचय का पार्ट फोर भाग चार लेकर के आए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग इसके परिचय के बारे में और प्रश्नवाली 8.1 और 8.2 का चर्चा कर चुके हैं और आई होप, मुझे विश्वास है कि आपने अच्छे से बना रखा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ने का काम करेंगे और प्रश्नवाली 8.3 हम लोग हल करेंगे एनसीईआरटी का। तो आप चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं हम लोग प्रश्नवाली 8.3। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं प्रश्नवाली 8.3 पर और इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। सबसे पहले मैं इस प्रश्नवाली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से पूरा कोण से अवगत करा देता हूँ कि पूरा कोण क्या होता है। तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि यदि किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे एक समकोण त्रिभुज को लेकर के, कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग कोण बी 90 का है तो कोण ए और सी, कोण ए और कोण सी दोनों का योग कितने का होगा? 90 का होगा। अर्थात ए कोण बी का पूरक है और कोण बी कोण ए का पूरक है। ठीक है, तो ये एक दूसरे का पूरक होता है। कहने का मतलब कि इन दोनों का योग कितना होगा? 90 का होगा। यदि हम लोग इसको थीटा मान के चलेंगे, सी को, कोण सी को थीटा मान के चल रहे हैं तो कोण ए कितना हो जाएगा हम लोगों का? ये कोण ए हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, आप समझे इसको, कि क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यदि हम लोग सी को थीटा मान लेते हैं तो आपका ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यदि आप ए को थीटा मान लेते हो तो सी हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए। और हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरा कोणों के बारे में बात किए थे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का? कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपको साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग? कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। जी हाँ, चलिए इतना तो आप उम्मीद है कि याद रखे ही होंगे ये छः। अगर आप याद नहीं रखे होंगे तो अच्छे से पहले आप इसको याद कर लें। ये छः त्रिकोणमिति है जो हम लोग का पूरा कोण है, इनके आधार पर आपका एक्सरसाइज 8.3 पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। चलिए हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का 8.3 का पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन की आपको चार गो आपका दे रखा है पहला में। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको, चारों को देखेंगे बारी बारी से, इसको हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए पहला क्या है, साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री। चलिए, तो इसमें करना क्या होता है, जब भी आप देख रहे हैं साइन कॉस में है या टेन कॉट में है या सेक कॉस एक में है, तो वहां पर आप क्या कीजिए कि दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, किसी एक को उसके पूरा कोण में बदल दीजिए और वहां से हम लोग को कट जाएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से एक चीज और क्या याद रख सकते हैं कि यदि साइन और कॉस में या टेन या कॉट में है, ठीक है, या सेक और कॉस में है और उनके कोणों का योग, मान लीजिए ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 90 आ गया। उनके कोणों का योग देखना होगा, यदि उनके कोणों का योग 90 हो तो उसका सीधे मान एक आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 18 है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है आपको? 90 आ रहा है, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर है साइन अट्ठारह को ले सकते हैं हम लोग क्या? 90 माइनस 72, क्योंकि 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग को? 18 डिग्री। ठीक है, साइन 18, तो साइन 18 को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लिए 90 माइनस 72 में, कॉस 72 को कॉस 72 ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया यहाँ से हम लोग का,
यहां से बन गया हम ऊपर साइन साइन माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कॉस 72 बन गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया हम लोग यहाँ पर कॉस 72, तो कॉस 72 कॉस 72 कट गया, कितना गया आपको एक। जी हाँ, कितना आया हम लोग का इसका आंसर, एक आया। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोग इसको पहला क्वेश्चन को डील किए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा। मैंने बता रखा आपको स्टार्टिंग में ही कि इन दोनों का योग यदि साइन कॉस में हो, टेन कॉट में हो, सेक कॉस सेक में हो, तो उनके कोनों का योग देखेंगे अगर 90 हो जाएगा उसके सीधे हम लोग एक लगा देंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है टेन 26 बटा में कॉट 64, टेन 26 बटा में कॉट 64। सेकेंड क्वेश्चन है टेन 26 बटा में कॉट 64, टेन 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप इसका आंसर मार सकते हैं एक, क्योंकि टेन और कॉट में है और इनके कोनों का योग कितना है, 90 है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको डील करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस 64। ठीक है, टेन 90 माइनस 64 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। क्यों, देखिए यहाँ पर, क्योंकि 90 में से 64 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। ठीक है, 90 में से 64 घटाओगे कितना बचेगा आपको, 26। तो टेन 26 के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, 90 माइनस 64। ठीक है, तो क्या हो गया, टेन ए माइन टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है इसको, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के बदले में कितना है, 64, तो कॉट 64 बटा में कॉट 64 हो गया। ठीक है, कॉट 64, दोनों कॉट के वैल्यू से कितना आ गया, एक आ गया। तो ये हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका, सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर कितना रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है क्या, तो कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 माइनस साइन 42। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, थर्ड क्वेश्चन में कॉस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस को खोल लेंगे हम लोग, साइन में बदल देंगे, तो कितना होगा, 90 माइनस 42। इसमें से किसी एक को, या तो आप कॉस को साइन में बदलिए या साइन को कॉस में बदलिए। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि हम कॉस को ही बदलेंगे या साइन को ही बदलेंगे, दोनों में से किसी एक को। हाँ, बट दोनों को एक साथ नहीं बदलना होगा, दोनों को आप एक साथ बदल देंगे तो फिर इसका आंसर इसी के कॉस और साइन के फॉर्म में ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, कॉस को बदल लेंगे हम लोग साइन में, यहाँ पर साइन को जस्ट के पास हम लोग रहने देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को, साइन थीटा। साइन कितना हो जाएगा, थीटा का बदला में कितना है, 42। तो साइन 42 माइनस में साइन 42, इसका वैल्यू कितना आ गया, ऐसे कट करके 0 आ गया वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, 0 आ जाएगा, थर्ड का आंसर 0। चलो हम लोग फोर्थ देखेंगे बाबू, अब फोर्थ में क्या था क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन फोर्थ था हम लोगों का ये है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री हो गया। ठीक है, 59 डिग्री, अभी आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर भी इन दोनों का कितना है योग आपका 90 आ रहा है, तो इसका घटा करके वैल्यू आपका इसका ही वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ भी आप देखिए उसका योग 90 आ जाता है, तो आप देखिए भाग में रहेगा तो कट करके एक माइनस में रहेगा, तो 0 घटेगा बचेगा हम लोग को वहाँ से। ठीक है, तो इसमें से बदल दीजिए आप, कॉसेक को हम लोग बदल लेते हैं, लिखेंगे क्या, कॉसेक 90 माइनस में 59 है। ठीक है, 59 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा आपको, सेक 59 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या बन गया, इसका वैल्यू बन गया यहाँ पर सेक 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट के इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट और सेकेंड का आंसर आ गया 1 और थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यह हम लोग को दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी दिखाना है कि साबित करना है, दिखाना है, इसको शो करना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी फर्स्ट का, सेकंड का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, दोनों क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर एक साथ लेकर आ रहे हैं, आप भी ट्राई करते रहिए। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यहाँ से पहला क्वेश्चन है
टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम लोगों को करना क्या होता है यहाँ पर, आप जब ये टैन में रहता है या कॉट में रहता है तो उसको संगत ऐसे कोण ढूंढिए जिनका योग आपका 90 आ जाए। जैसे कि हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको है 48 और यहाँ पर है आपका 42, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा क्या है आपको, एक है आपका 23 डिग्री और यहाँ पर है 67 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा आपको 90 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग एक पेयर तैयार करते हैं और उस पेयर का वैल्यू निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका अगर मान बदलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको बदलेंगे तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके एक एक पेयर को में से मतलब एक को बदलेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे वैल्यू। ठीक है, आइए तो हम लोग इसमें से इसको बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, टेन इसको लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 48 के बदलेंगे 42 यहाँ पर करेंगे, क्योंकि टेन 90 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने टेन 23 छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, टेन 42 भी छोड़ दिया यहाँ पर। अब हम लोग बात क्या करेंगे, इसको इस टेन को बदलते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 23 डिग्री हो, 23 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचा बाबू आपका, यहाँ पर आपका बच गया टेन 90 माइनस थीटा मतलब कि कॉट थीटा, अर्थात कितना हो गया से कॉट 42 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया हम लोग को, इसका तो टेन 23 है ही आपका और यहाँ पर कितना हो गया टेन 42 हो गया। ठीक है, टेन 42 हो गया। अब टेन 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा, अर्थात कॉट कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको, टेन 42 गुने कॉट 42, टेन 23 गुने कॉट 23। हम लोग क्या देखते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितना होता है आपको 1 होता है इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके 1 हो गया, इन दोनों को मिला करके 1 हो गया, अर्थात हम लोग के यहाँ से वैल्यू क्या मिला बाबू, 1 × 1 = 1 मिला। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यू 1 × 1 = 1 मिला। चलिए, तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है, आप यहां पर एक चीज देखिए ध्यान से कि आपको करना क्या होगा, यहां से आप या तो साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को, जैसे अभी हम लोग चाहेंगे तो इस कॉस को, इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या चाहेंगे तो इस दोनों साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी को भी आप बदल सकते हैं। चलिए हम लोग बदल कर देते हैं, इसको कॉस को बदल देते हैं तो कितना हो गया, कॉस 90 माइनस में हम लोग का हो जाएगा 52, क्योंकि 38 प्लस 52 कितना होने वाला है हम लोग को, तो 90 होने वाला, अर्थात हम लोग को 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा। चलिए, इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पर बनेगा आपको 90 माइनस 38 हो जाएगा माइनस में साइन 38 साइन 52। ठीक है, इतना हम लोग को आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बना आपको, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या बना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपको, साइन थीटा। तो क्या बन गया बाबू यहाँ से, साइन 52 हो गया इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, साइन 38 हो जाएगा माइनस में यहाँ पर कितना हो गया, साइन 38 इंटू साइन 52 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा आपस में, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। चलिए ठीक है, हम लोग को 0 साबित करना था, चलिए आ गया 0 यहाँ से हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अब फटाफट इसको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है, इसको आप अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही जैसा क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, देखिए तो कितना है हम लोग का इसका वैल्यू, ए और यहां पर
चलिए ठीक है, कितना आ गया हम लोग को, दे रखा कि यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है बाबू कि a क्या है आपका न्यून कोण है, 2a क्या है न्यून कोण है, इसका a का मान ज्ञात करना हम लोग को, और एक रिलेशन क्या हो गया हम लोग को, एक समीकरण क्या दे रखा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, tan 2a बराबर कितना हो गया cot a माइनस 18 हो गया, ठीक है। या तो आप tan को cot बदल दो या cot को आप tan बदल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बदल कर देखते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आप लगा लेंगे यहाँ पर, हो जाएगा cot 90 माइनस 2a, cot क्या हो गया 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा cot a माइनस 18, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग काट देंगे cot से cot, कॉट से कॉट कट जाएगा हम लोग का, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इधर ला देते हैं, इसको इधर चलाते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, अर्थात हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 3a बराबर हो जाएगा आपको 108 हो जाएगा, ठीक है 108 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है, कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 27 हो जाएगा, ए का मान 27 नहीं 29 29 ना। तो चलिए यहाँ से कितना आया हम लोग के यहाँ पर, यहाँ पर 3a इक्वल टू 108 आ गया, 3a बराबर 108 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा, ठीक है, ए का मान कितना हो गया 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग का ए का मान कितना आ गया 36, तो हम लोग का ए का ही मान ज्ञात करना था, क्वेश्चन करा कि ए का मान कितना होगा, तो हम लोग का ए का मान 36 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस सही तरीके से मेहनत करते रहिए और जिससे हम लोग एक अच्छे मकाम तक पहुँच सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम लोग अगला क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। देखिए चार नंबर क्वेश्चन में क्या है, चार नंबर क्वेश्चन में है बाबू, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें क्या हम लोग को a प्लस b बराबर 90 सिद्ध करना, ठीक है। tan a बराबर cot b हो गया, हम लोग किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखे हम लोग क्या tan a, हम लोग इस cot को tan में बदल लेते थे, क्या बनेगा आपको tan 90 माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हम लोग को tan से tan कट गया, तो क्या हो गया a बराबर आपका 90 माइनस बी हो गया, अर्थात a प्लस बी बराबर क्या हो गया 90। इसको हम लोग इधर लेके चले आए तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, आप समझ गए। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, फाइव नंबर क्वेश्चन हम लोग को, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ठीक है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, करा कि 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, ये भी आपको आ गया था, बिल्कुल तीन जैसा क्वेश्चन है, तो आई होप आप इसको बना भी लेंगे, फिर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, चलिए आप बनाते रहिए इसको। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत मजे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ठीक है, यहाँ पर हो गया, आप दोनों में से किसी एक को बदल लो, ठीक है, दोनों में से किसी एक को बदल लो। चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ sec 4a बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या sec 90 माइनस ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग का बदल दिया, इसको cosec को sec बदल दिया, ठीक है, जिससे कि हम लोग अभी इस बार उधर वाला बदल कर देख रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा sec से
सेक से सेक कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सेक से सेक कट जाएगा। तो कितना हो गया, 4a बराबर हो जाएगा आपको 90 माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 110 आ गया। 5a के बराबर कितना आ गया आपको, 110 आ गया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से बाबू, वैल्यू आपका आ जाएगा, a का वैल्यू 22 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो आप इसको हल करते रहें और अच्छे से एकदम मेहनत करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ से इसको 6 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है 6 नंबर क्वेश्चन में, कि यदि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो हम लोग को यहाँ पर दिखलाना है बाबू आपको यहाँ से कि साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोल रखा है कि ए प्लस बी ए बी सी आपको क्या है, अंतः कोण है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। हम लोग ए को इधर भेज दिए तो क्या बनेंगे आपको, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए आ गया, ठीक है। बट्टा में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को टू से डिवाइड कर दिया हम लोग, तो क्या बन गया बी प्लस सी बटा दो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस ए बटा दो हो गया। अब क्या लिख देंगे बाबू हम लोग, दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा यहाँ से आपका बी प्लस सी बटा टू बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटा दो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर आ गया साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि क्या हो गया आपको, कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, कॉस थीटा का बदले में ए बटा टू है, हम लोग यही साबित करना था, ठीक है। चलिए आपका आ गया, ये हो गया आपका साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू हो गया, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ फटाफट, इसको जिसको नोट करना है आप नोट कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, इसमें कह रहा है आपको इस क्वेश्चन में कि जो आपका कितना है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो 67 है और 75 है उसको 0 से 45 के बीच में बदल देना है, तो ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्या हो गया आपको, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, हम लोग क्या करेंगे इसको, इस साइन को कॉस में, इस कॉस को साइन में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा साइन 90 माइनस में हो जाएगा आपका 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री आ गया, ठीक है, ये हम लोग को हो गया। तो अब क्या देखेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा आपको साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया आपको, कॉस 90 माइनस मतलब कि साइन थीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर अब कंप्लीट होता है, आप इसे आप अच्छे से इसको एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और आप इसको पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और मन लगा करके आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको डाउट होती है वो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में कर दें, मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।